हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से अतुल स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज मैं अध्याय 2 गोश की प्रमेय तथा वैद्युत फ्लक्स लेकर आ गया हूँ। और मैं बता दूँ, यदि आप क्लास 10th या 12th में हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का बारीकी से मैं अध्ययन आपको करा रहा हूँ। तो मैं आज गोश की प्रमेय तथा वैद्युत फ्लक्स पूरा ये लेसन एंड कर दूँगा इस वीडियो में। यदि आप लास्ट तक देखते हैं तो आपसे कोई भी कहीं से भी पूछ लेता है तो आप कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। और मैं बता दूं, यदि चैनल पर फर्स्ट है जरूर सब्सक्राइब कर लें, और पहला अध्याय नहीं देखें तो प्लेलिस्ट दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाके 1 घंटे का लगभग वीडियो है, उसको भी जाके देखेंगे तो 1 घंटे पूरा क्लियर हो जाएगा। और न्यूमेरिकल 5 अध्याय पूरा होते ही न्यूमेरिकल कराना शुरू करूँगा, फिर इसको न्यूमेरिकल ख़त्म करते ही बहुविकल्पी और अतिलोकोत्तरी, जिसे 5 पाठ आपका बहुत ही अच्छी तरीके से 15 दिन के अंदर ख़त्म हो जाए, ये मेरा मानना है। यदि आपका साथ रहा तो ये मैं ख़त्म करके दिखाऊंगा, सबको दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मैं आपको फ्री में नोट्स दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो है। तो इसमें सबसे पहले अध्याय 2 है, अध्याय 1 जाके देख लीजिएगा, मैं बोला। अगला है, पहला इसमें आता है वैद्युत फ्लक्स, यानी कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो वैद्युत फ्लक्स के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत दिशा में गुजरने वाली जो कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या से उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। देखिए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, और मैं पेंसिल से बनाऊँगा इसके लिए, इसमें ये वाला सिर्फ है ना। देखिए आपको क्या करना है, कोई भी इसी प्रकार से मैं हल्के से बना रहा हूँ, ठीक है ना, हल्का बना रहा हूँ ना। अब यहाँ से कोई रेखा गया, काल्पनिक रेखा है ना, यहाँ से कोई रेखा गया, यहाँ से गया, तो मैं आपको कम दिख रहा होगा, मुझे पता है, वैसे मैं कर भी रहा हूँ ना। देखिए यहाँ से कोई रेखा गया और इधर गया, इधर से जाएगा रेखा, ध्यान में रखना, इधर से जाएगा, ये भी इधर से जाएगा, ये भी इधर से जाएगा, और कोई कोई ऐसा रहेगा ऐसे सीधे निकल जाएगा सटकर, ठीक है ना। और फिर ये क्या होगा, फिर ये ऐसे करके निकल जाएगा, यही को क्या कहते हैं हम, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मुझे उम्मीद है ये क्लियर समझ में आएगा। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, जो काल्पनिक रेखा किसी भी दिशा में गुजर जाती है उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अपने आप से बना कर लिख देना, ये डायग्राम बना देंगे ना तो आ जाएगा, ठीक है, क्लियर समझ में। और ये समझ लो ये रेखा गया है छोटा छोटा, जो ऐसे ऐसे गया है ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो यही क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स होता है, क्लियर समझ में आया। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स किससे प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत फ्लक्स इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, क्लियर समझ में आया ना। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, अब समझ में आया ना। अब यह अदिश राशि होती है, यह अदिश राशि होती है, कौन सी राशि होती है, यह अदिश राशि है, क्लियर समझ में आया ना, यह अदिश राशि है। इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, क्लियर समझ में आया ना। कोई कोई ई डी एस रहता है, लेकिन ये भी सही है वो भी सही है ना। तो ई फाई आप ये लिखिएगा कि फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, मुझे उम्मीद है ये क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें ई क्या है, ई है इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई क्लियर हुआ। अब ए क्या है इसमें, ए पृष्ठ का क्षेत्रफल है, क्या है, पृष्ठ का, पृष्ठ का क्षेत्रफल ए हो गया। अब क्या बच रहा है, देखिए कोस थीटा जो है, थीटा की वैल्यू हम अगर वन रख दें तो क्या हो जाएगा, तो काश सॉरी जीरो रख दें तो काश जीरो का मान एक होता, तो फाई बराबर ई हो गया। और देखिए इसमें थीटा क्या होता है, देख लो थीटा ये लिया जाता है कि जो ई तथा ए, अभी मैं बताऊंगा ये सब क्या होता है, के बीच जो बनता है, बीच बना कोण जो होता है, जो उसके बीच कोण बनता है, देखिए थीटा आप सबको पता होगा, जो कोण बनता है वही क्या होता है, थीटा होता है, क्लियर हुआ। अब इसका मात्रक भी देख लेते हैं, क्योंकि बारीकी से सब कुछ समझ सीखते हुए चलेंगे। इसका मात्रक ध्यान में रखिएगा, न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, प्रति कूलाम किसका मात्रक है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है,
क्या है मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। क्लियर हुआ ना, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा वैद्युत फ्लक्स भी। अब चलते हैं अगले हेडिंग और अगले पेज में। चलो अगला हेडिंग आपका आ जाता है घन कोण। ये क्या होता है कि देखते हैं अच्छे से। घन, देखिए मैं रेड पेन से कर रहा हूँ, आप सब मत करिएगा। घन कोण क्या होता है ध्यान समझिए, इसको मैं बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। घन कोण ये होता है जो केंद्र पर जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। ठीक है ना, यही चीज़ लिखना है, किसी क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र, फिर से देखिए, किसी क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे घन कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। क्लियर समझ में आया, घन कोण क्या होता है। अभी मैं एक डायग्राम बना के उसको आपको मैं समझाता हूँ। इसे W से प्रदर्शित करते हैं या डेल्टा W से, ठीक है ना, इसे डेल्टा W से भी प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक देख लीजिए, मात्रक क्या होता है इसका, घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियम। देखिए एक डायग्राम के मदद की सहायता से हम समझाता हूँ आपको। देखिए पेंसिल से बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इस है, बट आपके सामने ये करूँगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हाथ से मैं फटाक से बना दे रहा हूँ गोला। ठीक, मान लेते हैं अंडा का आकार बन गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कोई केंद्र होगा, यहाँ से जब ये कोड़ गया और ये कोड़ गया, और इनके देखिए इसको अगर मिलाएंगे आप कुछ इस प्रकार बनेगा। तो यहाँ पर एक कोड़ बन रहा है, कोड़ बन रहा है ना, वो उसको मान लेते हैं डेल्टा ए है। क्या है, डेल्टा ए है, और ये इसको मान लेते हैं क्या है, डेल्टा डब्ल्यू, और यहाँ की जो बीच की दूरी है आर हो गया, और इसको मान लेते हैं कोई केंद्र ओ है। तो इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, इसका फार्मूला होता है डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ये आ गया इसका फॉर्मूला। क्लियर समझ में आया ना, ये रहा इसका मेन फॉर्मूला घन कोण का। अब आ जाता है हेडिंग गॉस का प्रमेय, यानी कि गॉस का प्रमेय होता क्या है और गॉस की प्रमेय को सिद्ध करने के लिए भी कहता है। तो मैं चलो पहले इसमें गॉस की प्रमेय बताता हूँ, फिर आगे सिद्ध करने वाला होता हूँ, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा। बोरिंग महसूस होगा तो आराम से पानी पीकर टहल ले लीजिएगा। देखिए गॉस का प्रमेय सबसे पहले बताते हैं, गॉस का प्रमेय ये है, पहले लिख दो फिर बताता हूँ ना, आप सबको भी अच्छा लगेगा। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है ये पता होगा शायद आप सबको ना, चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं पता तो बता दिया जाएगा। देखिए वैसे तो बता दिया हूँ वैद्युत फ्लक्स, एकदम आगे क्या बताया था, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला भी पता होगा। वैद्युत फ्लक्स सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स के ही बारे में चर्चा मैं किया था, ठीक है ना, तो आता होगा। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश क्या होता है, क्यू, अभी मैं समझाऊंगा आ जाएगा, क्यू के 1/ε0 गुना होता है। समझिए अच्छे से क्या कह रहा है, कोई बंद पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ बना लेता हूँ। देखिए आप सब गोला प्रकार का ही प्रयोग करिएगा ना, देखिए ये बंद पृष्ठ हुआ, जैसे घन कोण था वैसे अगर बनाना हो तो बना लीजिएगा घन कोण, जिस प्रकार से मैं बताया। अगर मैं इसका बनाना चाहूँगा कि गॉस की प्रमेय का, देखिए गॉस का प्रमेय अगर आ गया तो ये चीज़ लिख देना और फार्मूला लिख देना, बात खत्म, ये सब आप सब मत बनाइएगा ज़्यादा, ठीक है मैं बाजी। तो यहाँ पर आया कोई कोड, ओके, यहाँ से फिर ये देखिए ध्यान से, यहाँ से एक सीधा गया रेखा और यहाँ से भी एक रेखा जाएगा, और जिसे क्या कहते हैं डी ए, विक्टर डी ए, और यहाँ पर क्या बन रहा है ई,
ई बन रहा है ना, तो यहाँ पर भी एक कोण समझ लो बन रहा है। ये दूरी क्या है, स्मॉल आर है। अब देखिए ध्यान से, इसको ऐसा कोई ज़रूरी नहीं ऐसे भी ऐसे बना सकते हैं ना, क्योंकि गॉस की प्रमेय ये नहीं कहता कि आप सीधा बनाओ। तो देखिए किसी बंद पृष्ठ, तो बंद पृष्ठ क्या हो गया, फाई ई, देखिए फाई ई नहीं होगा, अभी देखिए मैं समझाता हूँ। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई होता है ना, तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई, ध्यान समझिएगा आप सब। तो देखिए फिर से, किसी बंद पृष्ठ, मान लेते हैं बंद पृष्ठ क्या है आपका, फाई ई, बंद पृष्ठ जो होता है वो वैद्युत फ्लक्स, मैं जस्ट पहला बताया था, क्या पहला बताया था, फाई ई यानी कि वैद्युत फ्लक्स बताया था ना, तो वही चीज़ तो कह रहा हूँ, वैद्युत फ्लक्स फाई ई इजक्ल टू उस पर उपस्थित आवेश, आवेश क्या होता है, क्यू के, यानी कि गुणा एक बटे एप्सिलॉन गुणा होता है, यही चीज़ है, यही आ गया है आपका, समझ में आया। तो किसी भी बंद पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स उस पर उस आवेश पर एक बटे एप्सिलॉन गुणा होता है, यही तो लिखना है यार, इतना आसान है उसका प्रमेय। फिर से एक बार देख लीजिए कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले जो वैद्युत फ्लक्स होता है, या वैद्युत फ्लक्स हुए ना उस पर आवेश, देखिए आवेश हुए ना, आवेश के एक बटे एप्सिलॉन गुना होता है, उसे क्या कहते हैं, गॉस का प्रमेय कहते हैं। ये क्लियर हुआ ना। अब आगे हम दिखाएंगे गॉस का प्रमेय की सिद्ध कैसे करेंगे, गॉस का प्रमेय आएगा, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब देखिए मैं गॉस की प्रमेय सिद्ध करता हूँ। सिद्ध करने से पहले जो आपको डायग्राम मैं बना के दिखाया था उसी के बारे में लिखना है। मान लिया कोई क्यू आवेश, लिख ली, आपके सामने लिख देता हूँ ना, मान लिया, क्या मान लिया, कोई प्लस क्यू आवेश बिंदु जो चीज उसमें था, बिंदु ओ था ना, बिंदु ओ पर स्थित है, बिंदु ओ पर स्थित है, ये क्लियर समझ में आया। मान लिया कोई प्लस क्यू आवेश जो है वो किस पर स्थित है, ओ पर स्थित है, जिससे आर दूरी, जिससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जो जो उसमें भैया किया हूँ वही देख लीजिए, आप सब भी बनाए होंगे तो उसी में देख लीजिए, वही कर रहा हूँ मैं, बिंदु पी है जिसके चारों ओर क्या है, क्षेत्रफल का अल्पांश, जिसके, देखिए वीडियो को बंद करके मैं लिख देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए जो मैं कह रहा था आपसे वो चीज़ मैं लिख लिया हूँ, जो उसमें दिखाया गया था वही लिखा हूँ, एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। मान लिया कोई प्लस क्यू आवेश बिंदु ओ पर स्थित है, जिससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिसके चारों ओर क्षेत्रफल का अल्पांश डी ए है, जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से थीटा कोण पर है। ये तो आपको क्लियर समझ में आया होगा, ठीक। अब अल्पांश दूरी ज्ञात करेंगे, यानी कि अल्पांश लिखो, अल्पांश डी ए से परिबद्ध वैद्युत क्षेत्र क्या ज्ञात करना है, परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लो। अच्छा वैद्युत फ्लक्स, देखिए मैं इसलिए बता दिया था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जहाँ हमेशा नहीं पूछता, लेकिन यह है ना वैद्युत फ्लक्स जो होता है ये बहुत ज़्यादा, अभी देखिए मेरे को काम आ रहा है, देखिए फाई ई होता है ना, फाई ई, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे डी ए है, तो यहाँ से लेंगे डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए, यही होता था ना, तो यहाँ पर भी हम वेक्टर लगा देंगे, यहाँ पर भी वेक्टर लगा देंगे, और इसका करेंगे क्या, समाकलन। समाकलन शायद जो मैथ लिए होंगे उनको पता होगा, और जिन जो नहीं लिए कोई बात नहीं, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। देखिए अब इसको क्या कर देते हैं, डी फाई ई इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से समझिएगा, ई इंटू डी ए, कॉस थीटा रहता था ना, डी ए कॉस थीटा, पता है ना, ये चीज़ मैं कर दिया कोई दिक्कत, तो डी फाई ई इज इक्वल टू क्या हो गया, ई इज इक्वल टू क्या होता है, एक फॉर्मूला पता होगा आपको, ई इज इक्वल टू होता है वैद्युत क्षेत्र का 1/4π0, पहले लेसन में था जो कि मैं बता चुका हूँ, जाके देख लीजिएगा, q/r² बताया था ना, इज इक्वल टू इंटू डी ए कॉस थीटा, इसको ऐसे लिख देंगे डी ए कॉस थीटा, क्लियर समझ में आया ना। अब जो है इसमें से ये बाहर कर लेंगे, क्योंकि जो जिसको पता होगा समाकलन के बारे में उसको पता होगा, और मैं गहराई में उसमें नहीं जाना चाहता, तो यही समझिए सिर्फ आप सब कि डी फाई ई इज इक्वल टू अगर क्यू 4π0 को हम क्या कर लेंगे, बाहर कर ले रहे हैं, तो ये हुआ इनटू, ध्यान में रखिएगा, जब इसको मैं बाहर कर लिए तो इसको ऐसे ही रहेगा, क्या बच रहा है, डी ए कोस थीटा बटे आर स्क्वायर है ना, तो इसको आर स्क्वायर को मैं क्या कर लूँगा, सेम ऐसे जैसे था वैसे मैं इसे लिख दूँगा, क्लियर समझ में आया ना। अब देखिए ध्यान से,
एक फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता तो पता कर लीजिए आप सब अच्छी तरह से, कि एक फॉर्मूला होता है इसका, dW बराबर होता है dA cos थीटा बटे r स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ध्यान में रखिएगा dW का। तो यहाँ पर हम dW रख सकते हैं, तो डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 pi epsilon 0। अब यहाँ पर क्या रख दे रहा हूँ मैं, dW रख दे रहा हूँ, क्या रख दे रहा हूँ, dW। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको, मुझे उम्मीद है। तो अब देखेंगे, अब ये dW आ गया। जब मैं संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालूंगा, किसके लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए जब निकालूंगा तब क्या आएगा, देखिए, जब संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 pi epsilon 0। तो जब dW है, ध्यान में रखिए, उसमें जैकेट डायग्राम में देखिए जो फिगर बनाया था मैं, तो dW की जगह मैं 4 pi रख सकता हूँ। dW बराबर क्या रख सकता हूँ, 4 pi रख सकता हूँ, रख सकता हूँ ना, डायग्राम में देखेंगे जब संपूर्ण पृष्ठ के लिए लेंगे तो 4 pi रख सकता हूँ। तो 4 pi कट गया और आपका आंसर भी, मतलब जो डेरिवेशन आप कर रहे थे वो भी आ गया, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही क्लियरली अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं कहाँ पर, नेक्स्ट देखते हैं क्या, कौन सा हेडिंग अब आता है। चलिए अब अगला हेडिंग जो आ जाता है ये देखिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए अब इसके बाद जो मैं बताऊंगा सारा इम्पॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही अच्छा वीडियो रहेगा, लास्ट तक आप इसे देखते रहिए, ये वीडियो क्लियर देखिए, जिससे कि आपका अध्याय 2 पूरा आज क्लियर हो जाए, ठीक है ना, ये आपको प्रण लेकर चलना है। अब देखिए, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम अनंत विस्तार का एक प्लेट बनाएंगे, क्योंकि अनंत विस्तार की समतल क्या पूछ रहा है, प्लेट बनाने के लिए कह रहा है, तो मैं प्लेट बनाता हूँ एक। तो पहले एक मैं क्या बना लेता हूँ, पहले गौसियन बेलन, जो गौस की प्रमेय का पालन करता है, उसको पहले मैं बेलन बना लेता हूँ। तो मैं इसी से पेंसिल से ही बनाऊँगा, आज सारा काम पेंसिल से आज कर रहा हूँ, नहीं तो पेन से करता हूँ ना, एक मिनट रुक जाओ, चलो पेन से करता हूँ ना, देखिए नहीं तो दिखेगा नहीं क्लियरली। मान लेते हैं क्या है, गौसियन बेलन है, कोई क्या है, ये बेलन है, गौसियन क्या है, बेलन। अब ध्यान समझिएगा, अब यहाँ से मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, अनंत विस्तार की कोई क्या बना रहा हूँ, प्लेट, जो समांतर आवेशित अचालक का वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है ना, बनाइए। इसको यहाँ से इसको मिला देंगे और ये वाला क्या है, इधर मिला देंगे, क्लियर समझ में आया ना। अब इसमें क्या है, धनावेशित आवेश है, क्या है, आवेश है, तो इसमें आवेश हम फिल कर देंगे प्लस, अच्छी तरह से बनाना है आपको यहाँ पर, यहाँ पर भी आवेश होगा, यहाँ पर कोई बिंदु क्या है, पी है, मध्य बिंदु तो होगा ही भैया ना, तो यहाँ पर कोई मध्य बिंदु पी है। ध्यान में रखना है आपको, जो जो कर रहे हो वही चीज़ अभी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर मान लेते हैं कोई ई है और डी ए है, अब कैसे है तो ये सब मैं बताऊंगा, डेल्टा ए है, तो यहाँ पर भी यही चीज़ होगा, ई डेल्टा। देखिए अभी ये सब के बारे में चर्चा नीचे करूँगा, क्या लिखा हूँ, क्यों लिखा हूँ, तो पहले जो चीज़ मैं इसमें किया हूँ वो चीज़ मैं लिख के दिखाता हूँ। तो मान लिया कोई अनंत विस्तार का क्या है, कोई प्लेट मान लिया, लिखो इसमें, मान लिया कोई अनंत विस्तार की प्लेट, क्या मान लिया, कि मान लिया कोई अनंत विस्तार की कोई प्लेट प्लस क्यू आवेश, क्या है, क्यू आवेश दिया गया है, क्लियर समझ में आ रहा है ना, क्यू आवेश क्या किया गया है, दिया गया है, जो पूरे पृष्ठ पर, जो पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल गया है, एक समान रूप से फैल गया है। अब ध्यान में रखिए, देखिए प्लस इसमें पूरे पृष्ठ में फैला हुआ है, वही चीज़ इसमें कहा गया है कि एक समान रूप से क्या गया है, फैल गया है, जिसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, जिसका, अब इसका पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है,
पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। इतना समझ में आया ना। अब देखिए यहाँ पर कोई बिंदु क्या है, पी है, जिसके मध्य बिंदु लिख दीजिए, जिसके समीप कह सकते हैं स्थित बिंदु, पी या मध्य बिंदु पी ऐसे भी कर सकते हैं, पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, क्लियर समझ में आया ना। आप देखिए क्या करना है, बीच का जो है वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना, जो बिंदु P है इसी के बीच में ज्ञात करना है। आप देखिए बेलन के एक सिरे, कई सिरे हैं, दो सिरे हैं ना, कितने सिरे हैं, दो सिरे, एक सिरे इधर, एक सिरे इधर, जान ले, देखिए ध्यान समझिए, एक सिरा इधर हो गया, एक सिरा इधर, कितने सिरे हैं टोटल, दो सिरे हैं, दो सिरे हो गए। अब इसी दोनों सिरों के लिए ज्ञात करना है, एक बार E1 ज्ञात कर लेंगे और एक बार E2 ज्ञात कर लेंगे, क्लियर समझ में आया ना, यही चीज़ ज्ञात करना है। लिखिए बेलन के एक सिरे से गुजरने वाली गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या ज्ञात करना है, बेलन के एक सिरे से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखिए वैद्युत फ्लक्स बार बार आ रहा है, वैद्युत फ्लक्स मैं बताया भी हूँ, तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई, तो फाई वन हो जाएगा, फाई वन इक्वल टू ई ए हो गया ना, क्यों भैया लिए, क्योंकि अलग अलग मुझे ज्ञात करना है, एक बार फाई वन ज्ञात करना है, क्योंकि दो जगह बेलन है ना, देखिए बेलन के कितने मुंडी है समझ लो, एक दो, दो हुए ना, यानी कि एक बार फाई वन ज्ञात करेंगे और बेलन के अब दूसरे सिरे देखेंगे, बेलन के दूसरे सिरे से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, वैद्युत फ्लक्स। अब जब दोनों सिरे से ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई टू इक्वल टू ई ए, सेम रहेगा, केवल फाई बदलेगा। अब जब कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, कुल वैद्युत फ्लक्स कहाँ ज्ञात करेंगे, अगले पेज में, चलिए चलते हैं अगले पेज में। अब देखिए वहाँ पर तो मैं वैद्युत फ्लक्स निकाला, अब कुल जब वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कुल वैद्युत फ्लक्स, जब कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, भैया जैसे सामान लेने जाते हो तो कुल जोड़ते नहीं हो, तो वही चीज़ इसमें भी ज्ञात करना है, तो फाइ इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई वन प्लस फाई टू, यानी कि जब दोनों ज्ञात करेंगे ना, जैसे कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो फाइ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए प्लस ई ए, तो कितना हो गया, तो फाइ इक्वल टू कितना आ गया, टू ई ए, इतना समझ में आया ना, तो कितना आ गया, फाइ बराबर टू ई ए। अच्छा एक चीज़ आप सबको पता होगा, गॉस की प्रमेय से, अच्छा गॉस के सूत्र बताओ, फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो रख सकता हूँ ना, तो रख सकते हो, तो क्यू अपान जब एप्सिलॉन जीरो रखूँगा तो टू ई ए है ये है, तो मुझे क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि मुझे ई निकालना है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, तिरछा उरछा गुणा करेंगे तो आ जाएगा मेरा क्यू, यहीं पर आने दो, और क्यू बटे टू ए एप्सिलॉन जीरो, टू ए को इधर कर दिए, टू ए एप्सिलॉन जीरो भी बच रहा है ना, टू ए एप्सिलॉन जीरो यही तो बच रहा है ना। एक चीज़ आपको और पता होगा कि सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपान ए होता है, क्या होता है, क्यू अपान ए होता है, तो एक क्यू अपान ए, यानी कि इसकी जगह मैं सिग्मा रख सकता हूँ, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन जीरो, यही आपका आ गया क्या, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही चीज़ मुझे निकालना था। अब देखते हैं सिग्मा इसमें है क्या, क्योंकि सब कुछ बताते चल रहा हूँ, जैसे मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूँगा ना तो आपको कोई परेशानी ना हो, ये मैं प्रयास कर रहा हूँ हमेशा। सिग्मा क्या होगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व, सिग्मा क्या हो गया, आवेश का पृष्ठ घनत्व, और ई क्या है, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और क्या बच रहा है, सिग्मा, सॉरी एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन जीरो जब बच रहा है तो, और एप्सिलॉन जीरो होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, क्या होता है,
निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका एप्सिलॉन जीरो का मान भी होता है, एप्सिलॉन जीरो का मान होता है 8.85 × 10^-12 होता है, ठीक है ना। ये आपका अनंत विस्तार की समतल आवेशित क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया आपका, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं और उसका स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखिए, मैं अगला हेडिंग लिख लिया ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, पढ़ के जाना अच्छी तरह से, और सबसे आसान यही है ये मुझे लगता है, तो लास्ट तक देखिएगा, इससे भी अभी जो है इम्पॉर्टेंट आपको मिलेगा। आगे देखते रहिए, बंद मत करिए, स्किप मत करिएगा, ये आपके ज़िंदगी के ऊपर सवाल है समझ लीजिए, क्योंकि ये परसेंटेज सब जगह लागू होता है, एक बार लागू होता है। क्लियर समझ में आया ना। चलिए अब इसको अच्छी तरह से क्या करेंगे, हम पहले डायग्राम बनाएंगे फिर उसके आगे देखेंगे। देखिए मान लेते हैं कोई आवेशित चालक है, ठीक है ना, ये मान लेते हैं, बना के दिखाता हूँ आपको, मान लेते हैं ये पृष्ठ घनत्व है, तो पृष्ठ घनत्व बनाएं। देखिए सॉरी यार, अगर स्केल की सहायता मैं नहीं ले रहा हूँ, अगर टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो आप स्केल की सहायता से बनाइएगा ना। ये दो पृष्ठ हो गए, क्या हो गए, दो पृष्ठ हो गए, ये भी पृष्ठ है प्लस प्लस, तो प्लस आवेश है इसमें, क्लियर समझ में आ रहा है ना। तो मान लेते हैं कोई वाह्य बिंदु कोई पी है यहाँ पर, और यहाँ पर भी कोई बिंदु ई वन है, और यहाँ पर क्या है ई टू है, और यहाँ पर कोई बाह्य बिंदु क्या है पी है, यहाँ पर इधर साइड दूसरे साइड में सिग्मा है, तो ये एक मान लेते हैं इसका साइड एक, इसका साइड दो, मतलब कुछ भी मान सकते हैं, यानी कि एक पृष्ठ ये, इसका नाम एक रख दिया, इसका नाम दो रख दिया। अब जो इसमें किया हूँ, और देखिए इसी को आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही हम कह सकते हैं गॉस का महत्वपूर्ण अनुप्रयोग। समझ में आया ना, इसका ऐसा मतलब मत समझ लेना कि ये आप बताए ही नहीं, ऐसा भी आ सकता है कि गॉस का अनुप्रयोग कीजिए, तो ये चीज़ आपको कर देना है, गॉस का महत्वपूर्ण अनुप्रयोग करिए, तो यही चीज़ आपको करना है। क्लियर समझ में आया ना, तो मैं नहीं लिख रहा उसको। चलिए अब जो इसमें किया हूँ वही चीज़ लिखना है, तो मान लिया, सबसे पहले मान लेते हैं इस सब में, मान लिया एक समतल आवेशित, समतल है भाई ना, आवेशित क्या है चालक है, आवेशित चालक है, क्या किया हमने, मान लिया कि कोई एक आवेशित समतल चालक है, और जिसे एक समान रूप से आवेशित किया गया है, देखिए प्लस 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 मतलब बराबर रूप से, जिसे एक समान रूप से आवेशित किया गया है, आवेशित क्या किया गया है, एक समान रूप से आवेशित क्या किया गया है, और जिनके दोनों पृष्ठों पर, देखिए आवेश का घनत्व तो देखिए सिग्मा है, जिनके दोनों पृष्ठों पर क्या है, दोनों पृष्ठों पर आवेश का घनत्व सिग्मा है, क्या है आवेश का घनत्व मान लेते हैं सिग्मा है, और इनके बाहर एक बिंदु पी भी दिख रहा है भैया, इनको भी लिख दो, नहीं तो नाराज होकर कहेंगे जा साले तुम्हें नंबर वाई नहीं देंगे, तो वैसे है भैया, तो इनको छोड़ो मत, इनको भी लिख दो, लिखोगे क्या, इनके बाहर एक बिंदु पी है, लिखो इनके बाहर कोई बिंदु पी है, क्या है कोई बिंदु पी है, और जहाँ पर देखिए यहाँ पर E1 E2 क्या क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, जहाँ पर E1 E2 की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 E2, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब हम देखिए इसके लिए अलग निकालेंगे, इसके लिए अलग निकालेंगे, अलग निकाल कर एक बार इंक्लूड कर लिया जाएगा, और जो आएगा वही आपका क्या आ जाएगा, गॉस की महत्वपूर्ण अनुप्रयोग आ जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए पहले गली निकालते हैं, पृष्ठ पहले के लिए, जब पहले के लिए निकालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E1, यही चीज़ ना, तो E1 बराबर क्या होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0,
क्लियर है ना, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये हुआ ई वन इक्वल टू सिग्मा पाई एप्सिलॉन जीरो, इसका हम कह सकते हैं समीकरण नंबर एक कह सकते हैं ना। अब देखिए पृष्ठ दूसरे के लिए निकाल लूंगा मैं, पृष्ठ दूसरे के लिए, जब दूसरे के लिए निकालेंगे तो ई टू निकालेंगे, सिंपल सी बात है। तो ई टू इक्वल टू क्या हो गया, ई टू इक्वल टू हो गया सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन जीरो सेम रहेगा। अब क्या करेंगे, कुल वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, यानी कि जोड़ देंगे कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे आसान है ये भैया जी। तो कुल वैद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता निकालेंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई वन प्लस ई टू, यही होगा ना। अब ई वन ई टू को जोड़ लेंगे क्या आ जाएगा, ई वन है सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन जीरो प्लस सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन जीरो। अब देखिए हर बराबर है तो ऊपर जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, टू सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन जीरो। तो टू टू काट दो क्या बचा, ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो, ई बराबर क्या हो गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। और सिग्मा क्या है, ध्यान दो, पृष्ठ घनत्व हो गया। पृष्ठ घनत्व क्या होता है, सिग्मा होता है, और एप्सिलॉन जीरो निर्वात की वैद्युतशीलता, जिससे कि मैं बार बार बताते चले आ रहा हूँ, निर्वात की वैद्युतशीलता। ये आपका मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा और इसका मान भी आपको पता है। अब चलते हैं अगले और महत्वपूर्ण की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं कौन सा आता है हेडिंग। अब देखिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और लेकर आ गया हूँ आपके सामने, मैं हाजिर हूँ एक बार फिर से। चलिए देखते हैं, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे ज्ञात करना है। देखिए इसमें तीन रूल हैं और तीनों रूल बहुत बारीकी से समझाऊंगा, मुझे लगता है ऐसा कोई आपको आखिर कोई समझाएगा, ऐसा नहीं है ठीक है। चलिए मैंने एक गोला बना लिया और गोला मैं हाथ से बनाया, किसी गोला प्रकार का यूज नहीं किया, तो आपको क्या करना है गोला प्रकार से करना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु, यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु क्या है, ओ है, और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या क्या है, आर, कैपिटल आर है, ध्यान रखना। और एक यहाँ से मान लेते हैं, देखिए बाहर से कोई, यहाँ पर पहले धनावेश है, क्या है, चारों तरफ क्या है, धनावेश है। ये डायग्राम आपको अपने कॉपी में भी बनाना है, क्लियर समझ में आ रहा है ना। मैं इसलिए नहीं बनाया हूँ क्योंकि इधर उधर अभी लिप पोत दूंगा इसमें ना, तो आपको तुरंत बनाना स्टार्ट करना है। मान लेते हैं इधर बाहर से भी कोई आया, कोई क्या है मतलब कोई आपका दोबारा एक बार बना है कि आवेशित गोली, यहाँ पर एक आवेशित गोली और है, तो आपको डैश डैश करके ही बनाना है, लेकिन गोला प्रकार से ही बनाना है। बन गया और बन गया ना। अब यहाँ से ध्यान रखना आप सब, यहाँ से लेकर ध्यान रखना यहाँ तक की, कहाँ तक, यहाँ तक दूरी, इसको मान लेते हैं पी है। एक बार मैं मानूंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि जब पृष्ठ पर रहेगा तब यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ध्यान रखना है। जब यहाँ पर आ गया तो यहाँ तक लेंगे, फिर यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर लेंगे, समझ में आया ना बात, यही चीज़ आपको करना है। कुछ अच्छा मत समझो अभी, ये तो समझ में आया होगा, यह प्लस आवेश हुआ, गोली हुआ, और यहाँ से कोई बिंदु ओ है, इसकी त्रिज्या जो है आर है, कोई ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, देखिए स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, यही चीज़ के बारे में मुझे क्या करना है, सबसे पहले इस कॉपी में लिखना है कि क्या क्या कहा गया है, कैसे कैसे कहा गया है, वही चीज़ लिखना है। चलो लिख के दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए आप इसे मैं लिख रखा हूँ, क्या है इसमें देखिए, ध्यान समझिएगा कि माना कि ओ केंद्र, जो मैं किया हूँ वही मैं कहा हूँ, यही देखिए आपको इसमें यही चीज़ ना। तो मान लिया कोई केंद्र ओ है, ओ से आर दूरी पर कोई त्रिज्या कोई आर है, कैपिटल आर है, और ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, यही चीज़ के बारे में मैं बहुत बारीकी से लिखा हूँ, और प्लीज़ पढ़ लीजिए, मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। माना कि ओ केंद्र से आर त्रिज्या का एक गोला है जो एक समान रूप से आवेशित है, इसके केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है और जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यदि बिंदु पी पर गोले के बाहर हो, यदि एक बार मैं मान लेता हूँ गोले के क्या है बाहर, देखिए गोले के बाहर पी है ना, तो वही चीज़ गोले के बाहर पी हो, तो ऐसी स्थिति में ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या के एक अन्य गोले की रचना करते हैं और जो गौसीय पृष्ठ की भांति व्यवहार करते हैं, ये समझ में आया ना। अब चलिए इसको मैं साल्व करके दिखाता हूँ, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए अपनी कॉपी में। चलिए चलते हैं,
मुझे उम्मीद है कि आप सब लिख लिए होंगे। अब उसके आगे मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए वैद्युत फ्लक्स जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई बराबर ई एस, लेकिन ये थोड़ा हट के है क्योंकि मैं ई एस क्यों ले रहा हूँ अभी सब कुछ बताऊँगा, ठीक है ना। ई एस का अच्छा इसको एक बार याद कर लो आप, फाई ई बराबर क्या हो गया, ई एस कॉस थीटा, ये क्लियर हुआ ना। अब देखिए यहाँ से जब मैं कॉस थीटा, थीटा की जगह मैं जीरो अगर रख दूँ तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एस कॉस जीरो, कॉस जीरो अंश का मान क्या हो जाता है एक, एक होता है ना, तो कॉस जीरो रख देता हूँ तो हो जाएगा क्या, फाई ई इज इक्वल टू ई एस हो जाएगा, क्लियर समझ में आया ना। अब देखिए मुझे गोली की संपूर्ण पृष्ठ पर मुझे निकालना है, गोली की संपूर्ण पृष्ठ पर, अब संपूर्ण पृष्ठ दिखाता हूँ, इसीलिए मैं लिख रखा था कि बार बार दिखाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मैं ज्ञात कर रहा हूँ, यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ पर, ठीक है ना, ध्यान में रखना, संपूर्ण पृष्ठ पर जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई इन टू, देखिए यस की जगह यस इज इक्वल टू क्या होता है, फोर पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर हम रख सकता हूँ फोर पाई आर स्क्वायर, क्लियर बात समझ में आ रही ना। अब गॉस की प्रमेय क्या कहता है, गॉस, गॉस की प्रमेय क्या कहते हैं भाई, गॉस की प्रमेय कहता है कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, ये समीकरण नंबर हम क्या मान लेते हैं इसको दो, इसको मान लेते हैं एक। अब समीकरण एक और दो से सॉल्व कर लेंगे, समीकरण एक और दो से, क्लियर समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर भी फाई ई है, यहाँ पर भी फाई ई, तो एक बार मैं फाई ई लिख दूँ, लिख सकता हूँ ना फाई ई, अगर नहीं लिखना है तो रहने दो, जब दोनों बराबर है तो क्यों लिखूँ, बेवकूफ़ी मेरी है, नहीं लिखूँगा। तो फाई ई जब दोनों की तरफ बराबर है तो एक बार इसको मैं लिख दूँ, ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, क्लियर समझ में आया ना, ये चीज़ लिख दिए, समझ में आया कैसे लिखा हूँ ना, ठीक है, क्योंकि मैं फाई ई बराबर दोनों तरफ दिख रहा है इसीलिए मैं ये कर दिया, ये समझ में आया ना। अब देखिए यहाँ से मुझे ई की वैल्यू निकालना है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू है ये है, ये फोर पाई आर स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी कि फोर पाई आर स्क्वायर अब साइलेंट जीरो, तो ई का वैल्यू मैं निकाल लूँगा यहाँ से क्लियरली, ई बराबर क्या होता है, वन अपान फोर पाई आर स्क्वायर, सॉरी ई इक्वल टू वन अपान फोर पाई अब साइलेंट जीरो इन टू वन अपान आर स्क्वायर, ये तो आपको पता ही होगा, ये जब आर त्रिज्या थी तब मैं ये निकाला, अब जब मैं कैपिटल आर त्रिज्या लूँगा, ठीक है। अब चलिए मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ, ठीक है, चलो चलते हैं। अब आप ये निकालेंगे कि जब, लिखिए जब बिंदु पी गोले के पृष्ठ पर हो, गोले के पृष्ठ पर हो, ध्यान में रखिएगा आप सब, देखिए ये पी मान लेते हैं, अब यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो त्रिज्या इसकी भी आर हुई और इसकी भी आर हुई, तो यहाँ पर मैं ये वाला त्रिज्या लूँगा कैपिटल आर, समझ में आया ना। तो यही चीज़ लिखना है वहाँ पर, मतलब जब देखिए भाई वहाँ पर जो अगले पेज में मैं जो किया था, यानी कि स्मॉल आर लिया था, मैं इसमें कैपिटल आर लूँगा, सब कुछ वही रहेगा, केवल कैपिटल आर हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं कि ई इक्वल टू क्या लिख सकते हो, वन अपान फोर पाई, मतलब जैसे उसमें लिखे थे वैसे इसमें भी लिख सकते हो डायरेक्ट कि वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इन टू क्यू अपान आर स्क्वायर, क्यों लिख सकते हो, मैं भी जस्ट बताया कि इसमें त्रिज्या क्या ले देंगे, हम कैपिटल आर लेंगे और इसमें कुछ नहीं है, क्लियर समझ में आ गया ना। बहुत आसान तरीके से, मुझे लगता नहीं कोई ऐसा और आपको बताएगा, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, बहुत आसान तरीके से। अगला देखिए आप, तीन कंडीशन था इसमें, एक गोले के बाहर, एक पृष्ठ पर, अब एक पृष्ठ के अंदर, मान लेते हैं ये पी यहाँ पर एक बार निकाले, ठीक हुआ सक्सेस, देखिए एक बार ये सक्सेस हुआ, यहाँ पर हुआ तो ये भी सक्सेस हुआ। अब मान लेते हैं कोई भी यहाँ पर पी आ जाता है, कहाँ पर, यहाँ पर पी आ जाता है, जब यहाँ पर पी आ जाएगा तो आर छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इस आर से ये आर छोटा हो जाएगा, तब क्या लिखेंगे, लिखिए पहले देखिए, जब बिंदु पी गोले के पृष्ठ पर हो, अब अगला जो इसी में रहेगा पॉइंट रहे, समझ लीजिए कि तीन कंडीशन था, जब बिंदु, लिखो जब बिंदु कहाँ पर हो, बिंदु P गोले के अंदर हो, किसके अंदर हो, गोले के अंदर हो, जब गोले के अंदर, यानी कि क्या कंडीशन इसमें दिखा रहा है, यानी कि तब तो R छोटा हो जाएगा, किससे छोटा हो जाएगा, R से, कैपिटल R से,
स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा नहीं हो जाएगा। देखिए देखिए, जब इसके अंदर ये लेंगे तो ये आर बड़ा हो जाएगा इस आर से, समझ में आया ना, यही चीज़ इसमें लिखना है। देखिए, और अगर एग्ज़ाम में आता है तो वैसे ज़्यादातर आता है, चांसेस बनता है, तो आपको क्या करना है भैया, ये जो डायग्राम था ये डायग्राम बनाना है हर एक में, और आपको पी एक बार यहाँ दिखाना, जो पहली बार निकाले थे एक बार वैसे रहेगा, दूसरी बार यहाँ पर पी दिखा देना और तीसरी बार यहाँ पर पी दिखा देना, ठीक है ना। ऐसे दिखा सकते हो, नहीं तो एक भी से काम चला सकते हो, क्योंकि हम सब कंजूस है भाई, ठीक है। ये जब बिंदु पी गोले के कहाँ पर हो, अंदर स्थित हो, ये कंडीशन रहा। आर ये अब देखिए, गोले को दिया गया जो आवेश है, लिखिए थोड़ा लिख लीजिए, ये भी ख़त्म हो रहा है, गोले को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर, उसके पृष्ठ पर क्या हो, फैल गया, जैसे देख रहे हो आप सब, फैल गया है। तो अब क्या करेंगे, तो देखिए, जब पूरे पृष्ठ पर फैल जाएगा तो यानी कि आवेश कितना हो जाएगा, तो आवेश क्या आ जाएगा, आवेश हो जाएगा जीरो, आवेश क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और ई भी क्या आ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र भी आपका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि तीनों कंडीशन आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया है, ठीक है ना। अब जो अगला आ जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में अंतर, यानी कि विभव में अंतर। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आपको, विभवांतर यानी कि विभव के अंतर, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए मान लेते हैं कोई बिंदु आवेश है, कोई बिंदु आवेश क्यों हो गया, क्या हो गया, क्यों हुआ, सपोज दैट यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु आवेश क्यों हुआ, यहाँ से यहाँ तक कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, क्लियर समझिएगा। देखिए मान लेते हैं ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे जा रहा है, क्लियर समझ में आया ना, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर मान लेते हैं क्यू जीरो हो गया, और ये क्या हो गया, प्लस क्यू हो गया। अब इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज, इसे सोर्स चार्ज बोलते हैं, उसे टेस्ट चार्ज बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इसके बीच की जो दूरी, देखिए क्योंकि मुझे विभव में अंतर ज्ञात करना है, विभवांतर, विभव में अंतर ज्ञात करना है, तो इसके ज्ञात करने के लिए यहाँ पर कोई बिंदु, मैं ज्ञात करने के लिए कोई बिंदु क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो यहाँ से जब कोई बिंदु स्टार्ट होता है तो उसे क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं, उसका बिंदु क्या हो गया, ओ हो गया। और यहाँ से लेकर इसके बीच की दूरी, यानी कि जो सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज के जो बीच की दूरी होती है वो क्या होता है, यक्स होता है, सपोज दैट। देखिए इसको मानकर ही चलना है, सब कुछ मानकर करना है। अब इसके आगे देखते हैं, और जो विभव होता है इधर साइड ज़्यादा रहेगा और धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि ये तीव्रता, ये जो पाई आपको दिख रहा है ये क्या है, तीव्रता है, इसे जो है आप ई कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वेक्टर ई कह सकते हैं, ये क्या हो गया, तीव्रता हो गया। देखिए इधर के साइड क्या रहेगा, जो है विभवांतर जो रहे, जिसे यहाँ पर विभवांतर वी होगा। अब यहाँ पर जब निकालेंगे हम तो वी प्लस क्या ज्ञात कर लेंगे, डी वी, समझ में आया ना, कुछ ज़्यादा नहीं है, समझिए अच्छी तरीके कैसे मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए आगे देखिए, इसमें और थोड़ा कार्य करना पड़ा। देखिए विस्थापन हुआ ना, जैसे इधर से जब इधर हम आए तो यानी कि वी था ही, तो इधर जब बढ़े तो क्या हो गया, डी वी। देखिए मैं कार्य कर रहा हूँ, जब थोड़ा इधर आगे खुसकूँगा, आगे जब बढ़ूँगा तो वी प्लस डी वी तो बनेगा ना भाई, समझ में आ रहा ना, जब थोड़ा बढ़ेंगे आगे तो वी प्लस डी वी बना है। अब देखिए, देखो अब क्या करना है, इसके आगे जो मैं आपको बताया यही चीज़ लिखना है, कुछ नहीं है, इधर आगे बेस ज़्यादा होता है। देखिए मैं लिख के अगर बताऊँगा तो आ जाएगा, लिखिए माना कि, तो सबसे पहले क्या मनाते हैं इसको, माना कि किसी बिंदु क्या है, किसी बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश है, कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, और इससे यक्ष दूरी, कितनी दूरी है, यक्ष दूरी पर बिंदु ए पर क्यू जीरो आवेश स्थिर है, आवेश स्थिर है, क्या स्थिर है, आवेश स्थिर है। फिर से मानेंगे, माना कि किसी बिंदु पर, देखिए ओ है ना, प्लस क्यू आवेश, ओ पे क्या आवेश इसी तरह, प्लस क्यू आवेश है, इससे यक्ष दूरी पर, देखिए यक्ष दूरी पर बिंदु ए पर क्यू जीरो, देखिए बिंदु ए है पर क्यू जीरो है, ठीक है ना, क्यू जीरो आवेश को, देखिए आवेश स्थिर है,
अब लिखेंगे Q0 आवेश को, Q0 आवेश को ध्यान में रखना, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अल्प दूरी dx, देखिए अल्प दूरी अभी बताता हूँ, अल्प दूरी dx विस्थापित है, विस्थापित करने पर विभव, जब अल्प दूरी पर क्या विस्थापित कर देंगे dx, जब विस्थापित कर देंगे तो उसका विभव क्या हो जाएगा, v से बढ़कर, देखिए यहाँ पर v था, यहाँ से बढ़कर क्या हो जाएगा, v प्लस dx हो जाता है। अब ध्यान में रखेंगे दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालेंगे, देखो अब क्या करेंगे हम, इसे क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो v था ही, तो v प्लस डी वी माइनस वी, समझ में आया कैसे, v प्लस डी वी माइनस वी। अब देखिए क्या करेंगे, v से v काट देंगे हम, क्योंकि देखिए दूरी है जो बता रहा है कि अल्प दूरी पर यानी कि घटेगा, समझ में आया ना, तो v v से कट गया, क्या बच गया आपका, डी वी बच गया है, ठीक, ये क्लियर हुआ। अब अगले पेज में मैं चलता हूँ, मुझे उम्मीद है वहाँ तक आपको क्लियर पता हो गया होगा, वही थोड़ा दिक्कत हुआ होगा क्योंकि वो माइनस की तरफ जाएगा ना, तो इसीलिए मैं उसको मैं क्या कर दिया था, माइनस में कर दिया था। अब Q0 क्या निकालेंगे, Q0 से आवेश निकालेंगे, Q0 आवेश के विरुद्ध, आवेश को विरुद्ध या विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, क्योंकि विरुद्ध विस्थापित हो रहा है ना, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, विस्थापित क्या हो रहा है, विरुद्ध विस्थापित हो रहा है ना, तो वही चीज़ इसमें कि Q0 जो है विरुद्ध विस्थापित, किसके विरुद्ध विस्थापित हो रहा है, Q0 के, ठीक है ना। अब विरुद्ध विस्थापित करने में किया गया कार्य, अब कार्य निकाल लेंगे, करने में किया गया कार्य, जब किया गया कार्य क्या होता है, डब्ल्यू बराबर, तो एक बार एक वो होता है, देखा छोटा कार्य किया है ना, तो डी डब्ल्यू ले लेंगे, डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाता है, बल गुणे विस्थापन, यही फॉर्मूला होता है ना बल का, सॉरी कार्य का, यही होता है ना कि बल गुणे विस्थापन हो जाता है। तो देखिए तो डी डब्ल्यू बराबर क्या लिख देंगे हम, डी डब्ल्यू बराबर बल क्या होता है, एफ होता है, और गुणे माइनस डी एक्स, माइनस विस्थापन डी एक्स। अब क्यों कहोगे कि माइनस क्यों लिए, क्योंकि देखिए मैं अगले पेज में एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा, देखिए ध्यान समझिएगा इसको, ये क्या रहा आपका तीव्रता है, अब इसके और इसके जो विरुद्ध कार्य कर रहा है, इसीलिए मैं विस्थापन का माइनस लिया हूँ, ठीक है ना। आप चलते हैं उसी में, मुझे उम्मीद है कि आपको तो वो जरूर अच्छे क्लियर से यानी कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिए डी डब्ल्यू बराबर फिर से लिखेंगे, डी डब्ल्यू बराबर एफ बराबर क्या होता है, क्यू जीरो ई गुड़े माइनस डी एक्स को ऐसे ही लिख देंगे, देखिए यह बराबर क्यू ई लेंगे ना, तो यानी कि ये क्यू छोटा है इसलिए मैं क्यू जीरो ले लें, देखिए क्यू जीरो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ऋण देखिए लिख लो आगे, अभी दिखाता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा, देखते रहिए लास्ट तक वीडियो। यह ऋण चिन्ह बताता है, क्या बताता है, देखिए कि विद्युत क्षेत्र और विस्थापन की दिशाएं क्या होती हैं, विपरीत दिशा में हो जाती है।
ठीक है ना। अब इसको देखिए, पहले मैं इसको क्या मान लेता हूँ, समीकरण नंबर एक मान लेता हूँ। अगर इसको समीकरण नंबर एक मैं मान लेता हूँ, तो अब देखिए, पहले हम निकाले थे कार्य का मान, कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। अब हम एक कार्य का वैल्यू और लिखेंगे। कार्य का वैल्यू क्या होता है, एक और होता है कि कार्य बराबर, चलिए देखते हैं उसको भी देखेंगे, लेकिन इसके पहले मैं लिख दूँ, ये विपरीत दिशा में जा रहा है, तो कार्य का क्या हो जाएगा, कार्य बराबर एक कार्य और लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, क्लियर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो कार्य बराबर क्या होता है, आवेश गुणे विस्थापन होता है, समझ में आया ना। दो फॉर्मूला होता है याद, देखिए एक बार होता है बल गुणे विस्थापन, एक होता है आवेश गुणे विस्थापन होता है। तो कार्य का मान क्या हो गया, डी डब्ल्यू बराबर आवेश क्या होता है, क्यू जीरो यहाँ पर लिए हो, गुणे विस्थापन, विस्थापन क्या निकाले थे, गुणे डी वी विस्थापन, सॉरी विस्थापन नहीं, सॉरी यार विभवांतर होता है, क्या होता है, विभवांतर, विभवांतर देखेंगे। विभवांतर में डी वी आया था, दोनों बीच, दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर देखना, आप कॉपी में मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि दूसरे पेज में है, तो उसमें क्या आया था, डी वी आया था, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर डी वी लिख दूँ। इसको मैं समीकरण नंबर दो मान सकता हूँ, मान सकता हूँ। अब देखिए ये और ये दोनों बराबर हैं डी वी, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्यू जीरो ई गुड़े माइनस डी एक्स इज इक्वल टू क्यू जीरो गुड़े डी वी, डी वी आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या बच रहा है, आप इसको लिख सकते हो माइनस ई, देखिए क्यू जीरो दोनों तरफ बराबर है, यानी कि क्यू जीरो क्या हो गया, कट सकता है, तो क्या बचा इसमें, देखिए ध्यान समझिएगा, माइनस ई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वी, डी वी को मैं इधर कर लिया या इधर ही रहने देता हूँ, बराबर में उधर डी वी कर दिया, ठीक है, समझ में आया ना। ई चाहे इधर माइनस कर दो चाहे इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, अब मुझे उम्मीद है। अब देखिए यहाँ से ई की वैल्यू जब निकालेंगे हम, तो ई बराबर डी वी, इधर माइनस है ये है तो इधर भी आ जाएगा माइनस, माइनस डी एक्स, यानी कि क्या आ गया, माइनस डी वी अपान डी एक्स, यही आपका क्या आया है फॉर्मूला, जो आप निकाल रहे थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है ये लेसन लगभग लगभग समाप्त हो गया। यदि कोई भी टॉपिक छूट रहा है या किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी है या कोई भी टॉपिक भूल बस छूट जा रहा है, तो ज़रूर मुझसे आप बताइएगा, कमेंट करिएगा और मैं उसका फिर से वीडियो एक बना दूंगा, ठीक है ना। तो इसलिए माफ़ करिएगा अगर कोई टॉपिक छूट गया हो, हमारे प्रयास से इम्पॉर्टेंट जितना था मैं हर एक चैप्टर को, हर एक पॉइंट को क्लियर किया। तो चैनल पर फर्स्ट जरूर सब्सक्राइब करके और प्लीज़ शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।